मंकी पॉक्स पूरी दुनिया में एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बनके उभरा है, जिससे हर तरफ चिंता है। हालांकि यह डरावना लग सकता है, लेकिन इससे इफेक्टिवली निपटने के लिए इस वायरल बीमारी के बारे में फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। इस ऐसे का उद्देश्य मंकी पॉक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देना है और रीडर्स को खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉलेज देना है। हम वायरस के ओरिजिन्स, इसके फैलने के तरीके, सिम्टम्स और बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की लेटेस्ट गाइडलाइंस पर भी प्रकाश डालेंगे। मंकी पॉक्स की इंट्रिकेसीज को समझकर हम इस हेल्थ चैलेंज का सामना प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं। याद रखें, पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए नॉलेज ही पावर है। मंकी पॉक्स हालांकि अभी चर्चा में आया है, लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है। यह स्मॉल पॉक्स के वायरस फैमिली से ही आता है, हालांकि इसके सिम्टम्स कंपैरेटिवली माइल्डर होते हैं। इस वायरस को सबसे पहले 1958 में मंकीज में आइडेंटिफाई किया गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। लेकिन माना जाता है कि रोडेंट्स इसके प्राइमरी एनिमल रिजर्वोयर हैं। इंसानों में मंकी पॉक्स के केसेस सबसे पहले 1970 में अफ्रीका में सामने आए थे, खासकर सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन्स में। यह वायरस जानवरों से इंसानों में क्लोज कांटेक्ट से फैल सकता है। अक्सर इन्फेक्टेड जानवरों के काटने या खरोंचने से, इन्फेक्टेड जानवरों के प्रोडक्ट्स को हैंडल करने से या बॉडीली फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में आने से। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हालांकि पॉसिबल है, लेकिन यह लेस कॉमन है और इन्फेक्टेड व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, स्किन लीजन्स या कंटेमिनेटेड मटेरियल्स जैसे बेडिंग के क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है। मंकी पॉक्स आमतौर पर सिम्टम्स के एक डिस्टिंक्ट सेट के साथ दिखाई देता है, जो अक्सर फ्लू लाइक इलनेस से शुरू होता है। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और लिम्फ नोड्स में सूजन कॉमन इनिशियल सिम्टम्स हैं। कुछ दिनों के बाद शरीर पर रैशेज होने लगते हैं, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं, जिनमें हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे शामिल हैं। रैशेज कई स्टेजेस में डेवलप होते हैं, जो फ्लैट रेड स्पॉट्स के रूप में शुरू होते हैं, फिर क्लियर फ्लूइड से भरे हुए उभरे हुए बम्प्स में बदल जाते हैं, जो अंततः प्यूस से भर जाते हैं। ये पस्टूल्स फिर स्कैब्स बन जाते हैं और गिर जाते हैं, जो रैशेज के फाइनल स्टेज को मार्क करते हैं। यह बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहती है और ज्यादातर लोग बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हालांकि प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स, खासकर रैशेज, चिकन पॉक्स, मीजल्स या साइफिलिस जैसी दूसरी कॉमन इलनेसेस के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मंकी पॉक्स की डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक की डिफरेंस स्वोलन लिम्फ नोड्स की प्रेजेंस है, जो मंकी पॉक्स की एक पहचान है, लेकिन दूसरी सिमिलर इलनेसेस में लेस कॉमन है। इसके अलावा रैशेस का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल हो सकता है। जहां चिकन पॉक्स के लीजन्स क्रॉप्स में दिखाई देते हैं और टोर्सो पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वहीं मंकी पॉक्स के लीजन्स चेहरे और एक्सट्रेमिटीज पर शुरू होते हैं और अक्सर दिखने में ज्यादा यूनिफॉर्म होते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि सेल्फ डायग्नोसिस कभी भी रेकमेंड नहीं की जाती है। अगर आपको मंकी पॉक्स या कोई अन्य बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें। सेक्शन 5, खुद को कैसे बचाएं। इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। मंकी पॉक्स को फैलने से रोकने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच की जरूरत होती है, जो एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन दोनों को टारगेट करता है। उन जानवरों के कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए जो वायरस को हार्बर कर सकते हैं, खासकर उन एरियाज में रोडेंट्स और प्राइमेट्स जहां मंकी पॉक्स एंडेमिक है। इसमें मरे हुए जानवरों को छूने से बचना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कंज्यूम किया गया कोई भी मीट अच्छी तरह से पका हुआ हो। हेल्थ केयर सेटिंग्स में स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स पैरामाउंट हैं।
हेल्थ केयर वर्कर्स को सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड मंकी पॉक्स पेशेंट्स की देखभाल करते समय ग्लव्स, मास्क और गाउन्स जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए। इसके अलावा साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का यूज करके अच्छी हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करना सभी के लिए जरूरी है, खासकर जानवरों या संभावित रूप से कंटेमिनेटेड मटेरियल्स के कॉन्टैक्ट के बाद। सेक्शन 6, हाइजीन, आपकी सुरक्षा की पहली दीवार। अच्छी हाइजीन मेंटेन करना मंकीपॉक्स को फैलने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बार बार हाथ धोना, खासकर रेस्टरूम का यूज करने के बाद, खाने से पहले और संभावित रूप से कंटेमिनेटेड सर्फेसिस को छूने के बाद ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। हाथ धोते समय साबुन और पानी का यूज करें और कम से कम 20 सेकंड के लिए लैदर करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सर्फेसिस अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। अगर साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। खांसने या छींकने पर अपने मुंह और नाक को टिश्यू या अपनी एल्बो से ढकें और यूज किए गए टिश्यूज को ठीक से डिस्पोज करें। टॉवल्स, बेडिंग या यूटेंसिल्स जैसे पर्सनल आइटम्स को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचें जिसे मंकी पॉक्स या कोई अन्य इंफेक्शियस इलनेस है। सेक्शन 7, बीमारी का पता कैसे लगाएं और इलाज के क्या विकल्प हैं। मंकी पॉक्स को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जरूरी हैं। अगर आपको मंकी पॉक्स के कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, खासकर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में रहे हैं जिसे बीमारी का पता चला है या ऐसी जगह की यात्रा की है जहां मंकी पॉक्स एंडेमिक है, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपके सिम्टम्स का आकलन करेगा और डायग्नोसिस की पुष्टि के लिए लीजन सैंपल्स की लैबोरेटरी टेस्टिंग की सलाह दे सकता है। हालांकि मंकी पॉक्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स के लिए यूज की जाने वाली एंटीवायरल मेडिकेशंस जैसे टिकोविरिमेट इलनेस को मैनेज करने में इफेक्टिव हो सकती हैं। ट्रीटमेंट मुख्य रूप से सिम्टम्स को कम करने, कॉम्प्लिकेशंस को रोकने और रिकवरी के दौरान पेशेंट को सपोर्ट करने पर फोकस करता है। सेक्शन 8, लेटेस्ट अपडेट्स और गाइडलाइंस के बारे में जानते रहें। मंकीपॉक्स आउटब्रेक की इवॉल्विंग नेचर को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जैसे रिप्यूटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लेटेस्ट अपडेट्स और गाइडलाइंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल सिचुएशन, ट्रांसमिशन पैटर्न्स, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज और ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस पर अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और आम जनता के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज और गाइडलाइंस भी इश्यू करते हैं। इंफॉर्मेशन के रिलायबल सोर्सेज मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को मंकी पॉक्स द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक्यूरेट और टाइमली गाइडेंस से लैस किया जाए। सेक्शन 9, मरीजों और परिवारों के लिए एक गाइड। मंकी पॉक्स का डायग्नोसिस मिलना पेशेंट और उनके परिवारों दोनों के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि मंकी पॉक्स से पीड़ित ज्यादातर लोग प्रॉपर केयर और सपोर्ट से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कंटेजियस पीरियड के दौरान आइसोलेशन बहुत जरूरी है, जो आमतौर पर तब तक रहता है जब तक कि सभी लीजन्स क्रस्ट ओवर न हो जाएं और स्कैब्स गिर न जाएं। पेशेंट्स को आइसोलेशन प्रिकॉशंस, हाइजीन प्रैक्टिसेस और सिम्टम मैनेजमेंट के बारे में अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इंस्ट्रक्शंस का पालन करना चाहिए। बीमारी और जरूरी प्रिकॉशंस के बारे में परिवार और लव्ड वंस के साथ ओपन कम्युनिकेशन से एंग्जाइटी को कम करने और रिकवरी के दौरान एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 10, कंक्लूजन। नॉलेज से खुद को एम्पावर्ड बनाएं। जैसे ही हम मंकी पॉक्स द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों से गुजरते हैं, नॉलेज हमारे सबसे पावरफुल टूल के रूप में उभरता है। वायरस, इसके ट्रांसमिशन पाथवेज और इसके सिम्टम्स को समझकर हम खुद को
और अपनी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस और जानवरों के साथ रिस्पॉन्सिबल इंटरैक्शंस जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना खासकर एंडेमिक रीजन्स में वायरस के स्प्रेड को रोकने में बहुत जरूरी है। रिप्यूटेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, गाइडलाइंस और ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना भी उतना ही जरूरी है। नॉलेज और पब्लिक हेल्थ के प्रति कलेक्टिव कमिटमेंट के साथ हम मंकी पॉक्स के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। ओ, ये चेतन बची बचाव धन है।